अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने पिछले टॉपिक से आगे स्टार्ट करता हूँ। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि ये सारा निज़ाम जो है चल कैसे रहा है और किस तरह ये महंगाइयाँ ये सारे ऊपर हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है। मैं अपने टॉपिक को ज़्यादा लेंदी नहीं करता और वहीं से स्टार्ट करता हूँ कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान अगर एक स्टेट बैंक बनाता है तो वो स्टेट बैंक पाकिस्तान ने नहीं बनाई, उसके अंदर जो लोग छुपे हुए हैं उन्होंने, बैंकों ने, प्राइवेट बैंकों ने, छोटे छोटे ने मिलकर एक बड़ा बैंक बनाया था तो वो बैंक स्टेट बैंक कहलाता है। ठीक उसी तरीके से अब ये कहा जाए कि वो स्टेट बैंक जो है करेंसी भी जारी करेगा, यानी कि उसके पास ये अख्तियार होगा कि वो करेंसी आगे जारी करे और इसके अंदर हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं होगा, यानी कि स्टेट बैंक ही वो करेंसी छापेगा, वही सब कुछ करेगा, आप सिर्फ देखते रह जाओगे। अगर कर्ज भी चाहिए होगा तो आप यानी स्टेट बैंक से कर्ज लोगे, वो आपका पैसा नहीं है। ठीक है, एक तरीके से ये देखा जाए कि गवर्नमेंट वही होती है जिसका सिक्का चलता है। यहाँ पे देखा जाए तो ये एक टेक्निकली बात है कि करेंसी स्टेट बैंक की चल रही है, यानी वैल्यू किसकी चल रही है, उसकी, स्टेट बैंक की चल रही है। ठीक उसी तरीके से अमेरिका ने वही किया 1913 में कि फेडरल रिजर्व बैंक बनाया और यहूदी उस वक्त बैंक सिस्टम में बहुत ताकतवर हो चुके थे। अब उन लोगों ने ये किया कि उन्होंने कांग्रेस के अंदर जाके उन्होंने वहाँ पे बिल पास करवाया कि भाई आप अब हमें ये पास करके दें कि ये बैंक यानी फेडरल रिजर्व बैंक नोट छापेगा, रसीद छापेगा, ये कहा जाए कि बिल छापेगा, ये सारा काम फेडरल रिजर्व बैंक करेगा। अब इसी हिसाब से अमेरिकन गवर्नमेंट जब कर्ज भी लेगी तो वो भी इसी प्राइवेट बैंक से लेगी और इसका कोई अख्तियार भी नहीं होगा, यानी कर्ज ले रही है खुद किससे, फेडरल रिजर्व बैंक से। ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी वही निज़ाम है। अच्छा, इस हिसाब से फाइनेंशियल फ्रॉड भी यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से शुरू होता है। और ये यहूदी ईसाई इतने ताकतवर थे कि गवर्नमेंट टोटल कर्ज लेती है, इनसे लेती थी, तो इनके जो लोग थे, जो ऑनर थे, जो ये सब कुछ कर रहे थे वो कौन थे, वो खुद को यहूदी कहते थे और वो कहते थे कि हम यहूदी हैं, लेकिन वो यहूदी भी नहीं हुआ करते थे। वो आप जब तुर्कों की हुकूमत हुआ करती थी, आप उस दौर के अंदर भी देख लें, तो ये लोग असल में जो थे कहते थे कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, लेकिन ये वो भी नहीं थे। ये ईसाइयों के साथ मिलकर मुसलमानों के साथ लड़ा करते थे, लेकिन ये दरअसल एक और ही कौम थे, ये फिरौन के मानने वाले थे, फिरौन को जानने वाले थे और फिरौन का कानून नाफिज करने वाले थे, दज्जाल का कानून नाफिज करने वाले लोग थे। अब अगर इसकी एक मिसाल दी जाए, मैं आपको करेंसी डॉलर यानी डॉलर पे, मैं इसलिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ कि आपको डॉलर को ही समझना है कि डॉलर है क्या और इस मुसीबत की वजह से हमारे मुल्कों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर क्या मुसीबत सिस्टम चल रहा है। अब देखें, डॉलर वन डॉलर बिल अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च करेंगे या गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, वहाँ से ढूंढेंगे तो उसकी बैक साइड के ऊपर जो तस्वीर बनी हुई है अहराम मिस्र की बनी हुई है। कोई भी मुल्क हो अगर उसकी करेंसी उठाएंगे तो उसके अपने मुल्क की तस्वीरें बनी होती हैं, उसके अपने मुल्क के यानी कि पाकिस्तान की करेंसी है तो शाही मस्जिद वगैरह बनी होती है, पहाड़ बने होते हैं, या ये कहा जाए कि वहाँ पे रेलवे ट्रैक बना होता है, इस तरीके से। लेकिन वन डॉलर बिल के ऊपर तस्वीर ही कुछ और छपी हुई है, वो आप ज़रा गौर से देखें, अहराम मिस्र की तस्वीर छपी हुई है। उस अहराम मिस्र की जो तस्वीर है उसके ऊपर बिल्कुल टॉप के ऊपर आप देखें अलग से एक आंख भी छपी है, जिससे सील ऑफ यूनाइटेड स्टेट ये लोग कहते हैं। ठीक है, अब ये जो अहराम मिस्र है ये दरअसल फिरौन की कब्र है, तो ये उन्हीं के लोग मानने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो फिरौन और दज्जाल का कानून नाफिज करना चाहते हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब यहाँ हुआ क्या, जब उसने ये किया, ये बनाया, ये सारी चीज़ें की, तो ये मतलब जो चीज़ है, ये डॉलर जो है रिलेटिव है किन चीज़ों से, आप समझ सकते हैं कि दज्जाल और उन लोगों से जिनका कोई मज़हब नहीं है, जो फिरौन के मानने वाले हैं, और इनका आइडियल जो जिस तरीके से ये मूसा का कहते हैं या किसी और नबी का कहते हैं, तो ये किसी पे नहीं होते थे। ठीक है, इस हिसाब से। अच्छा, अब एक और चीज़ कि 1933 के अंदर, हाँ 1933 के अंदर हुआ ये कि इन्होंने एक तजर्बा भी किया यहाँ पे। वो तजर्बा क्या था वो ज़रा देखें,
फेडरल रिजर्व बैंक ने ये कहा कि भाई आप जो करेंसी यूज करो ये गोल्ड करेंसी, ये अब आप पूरी कॉम यानी अमेरिका पूरा वो अपनी करेंसी गोल्ड करेंसी जो है फेडरल रिजर्व बैंक में जमा कराए, उसके बदले हम आपको डॉलर देंगे यानी रसीद देंगे यानी पैसे देंगे, नोट पेपर देंगे, ठीक है वो देंगे। और उसकी जो प्राइस लगाई 1933 के अंदर एक सोने के सिक्के की उन्होंने प्राइस लगाई $20, ठीक है $20 लगाई। और उसने ये भी साथ में कानून पास कर दिया कि अगर कोई भी आज के बाद गोल्ड करेंसी यूज करेगा तो उसे $10,000 जुर्माना भी भरना पड़ेगा और कई साल जेल भी जाना पड़ेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने बिल्कुल कैद कर लिया अमरीकी आवाम को, ठीक उसी तरीके से ये महंगाई भी अब उसी तरफ जाएगी और आप इसको समझने से भी कर रहे हैं। फिर कुछ वक्त के बाद इन्होंने क्या किया कि ये कहा जाए कि उन लोगों ने ये तजर्बा करना था, अब यूनाइट बैंकिंग ऑफ इंग्लैंड ने उसने भी यही चीज़ यहाँ पे यूज़ की कि गोल्ड करेंसी जमा करो और इसकी ये प्राइस आपको मिलेगी, ठीक है। इसराइल ने भी कहा जाए कि यहूदियों ने भी यही टेक्निक अपनाई और इस चीज़ को यहाँ पे बैन कर दिया। और कुछ वक्त के बाद उन्होंने जब लोगों ने जमा करवाए तो उन्होंने एक तजर्बे के तौर पे फिर दोबारा यही कहा कि आप गोल्ड करेंसी यूज़ कर सकते हो और ये आज ही यूज़ करने के लिए था, यानी कि अब ये तजर्बा था और उन्होंने देखा कि हम इसके अंदर कामयाब भी हो चुके हैं क्योंकि उन लोगों ने अपना कानून नाफिस करना था पूरी दुनिया के अंदर और दजाली निज़ाम चलाना था पूरी दुनिया के अंदर। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।